समाज का सुसंस्कार पापी पेट का सवाल है। देखिए ये ऐसी कहावत पॉपुलर है, ये हर जगह कही जाती है। इसका अर्थ यह है कि पेट को भरने के लिए हमको कुछ न कुछ पुरुषार्थ, काम, कमाई, अर्जन, धन कमाना, रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आप शादीशुदा हो और आपके माता पिता आप पर आश्रित है तो आपको सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन सब की जो बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसके भरण पोषण के लिए नीड की पूर्ति करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती, उस पर यह फार्मूला पापी पेट का सवाल लागू होता है नीड्स को पूरी करने के बाद में। लेकिन बहुत से लोगों की नीड्स तो बहुत जल्दी पूरी होते, हर एक की पूरी हो जाती है। कुत्ता भी जो है वो भूखा नहीं सोता है, वह भी अपना पेट भर लेता है। इतना तो जो है हमारी नेचर है, वो करुणा की सागर है, वो करुणा हर एक के लिए करती है। कहा जाता है कि जिसने चौंच दी है वो चुग्गा भी देगी। चौंच कुदरत ने दी है तो चुग्गा भी कुदरत ही देती, इतना तो हो जाता है। लेकिन उससे बढ़कर के व्यक्ति जो है वो एक बहुत बड़ा लेवलिश जीवन, यानी जो एक अमीर का जीवन, एक जो है वो कहना चाहिए बहुत ही सुखी इंसान का जीवन कोई जीना चाहता है। बड़ा बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी कारें और बड़ी बड़ी जो है फैशनेबल चीजों का, तो वह जो है पापी पेट का सवाल लागू नहीं होता है। वह तो अवश्य है, जो ग्रीड है वो अवश्य, और ग्रीड कभी भी पूरी नहीं होती है। ग्रीड एक दावा नल है, ग्रीड एक अग्नि है। जैसे कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े जो है वो वन में लग जाती तो वो दावा नल पूरे को सुलगा देती है, पूरे घर को भस्म कर देती है। और जो है इस तरीके से जो हमारी ये अवश्य और हमारी जो ग्रीड और लोभ है, ये व्यक्ति को डुबाने वाला है। तो पापी पेट का सवाल तो सही है, लेकिन ग्रीड में नहीं जावें।